सबसे पहले मैं गैस पर रख दी हूँ एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी टोप में, और गैस चालू है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ आधा किलो आंवला, इसको धो लेना है आंवले को, तो मैं धो करके रखी हूँ। और ये आंवले को मैं सभी इस पानी में डाल दूँगी। और देखिए पानी में उबाल भी आने लगा है, और इसको पकने देंगे, मतलब कि पूरी तरह से इसको आंवले को नहीं पकाना है, आधा पकाना है बस। तो ये देखिए हो चुका है, और अभी मैं गैस पर से आंवले को हटा चुकी हूँ। हटा देना है, एक साइड रख देना है। और गैस पर मैं रख दी हूँ कढ़ाई, और गैस चालू है, तो यहाँ पे रख लेना है मसाला तैयार कर लेना है भून के। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले ली हूँ सौंफ, 2 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना। तो मसाले को अच्छी तरह से डाल कढ़ाई में डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, और गैस को कर दूंगी बंद, और इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी एक प्लेट में, और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है, और यहाँ पे मिक्सी का जार ले ली हूँ, मसाले को इसमें, खड़े मसाले को मैं इसमें डाल दूंगी। और अब मैं ले लूंगी इसमें 1 चम्मच राई, मतलब सरसों, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 ही चम्मच लेना है, और इसको इसमें डाल देना है और पीस लेना है इसको। ज़्यादा इसको पाउडर नहीं बनाना है, इसको हल्का सा दरदरा ही रखना है। और मसाला पीस चुका है, मसाले को मैं एक साइड रख दी हूँ, तो अब मैं ये आंवले के पीसेस भी कर लूँगी। तो ये देखिए एक थाली में मैं एक एक करके ये पीसेस को निकालूंगी। थोड़ा सा ये हार्ड है, दिक्कत आता है तोड़ने में, तो आप चाकू की सहायता से इसको आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल लूंगी, और ये थोड़ा सा अगर ख़राब निकल रहा है तो उस जगह को आप थोड़ा सा कट करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए सभी को मैं अलग कर ली हूँ, पीसेस अलग कर दी हूँ, इसको एक साइड रख देना है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ थोड़ा सा अदरक और हरा मिर्च और लहसुन, और ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से धो करके इसको सुखवा दी थी, तो ये धूप में सुखवा दी थी, तो ये आपको खुद ही लग रहा है, देखिए आप हल्का ये सूखा सूखा लग रहा है। और उसके बाद मैं ले लूँगी एक चॉपर, चॉपर में ये सभी को मैं डाल दूँगी, सभी को नहीं, अदरक लहसुन और थोड़ा सा 6-7 मिर्च डाल करके अच्छी तरह से इसको मैं चॉप कर लूंगी। ये देखिए मिर्च को भी इसमें डाल के मैं अच्छी तरह से इसको चॉप कर लूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, और मिर्च को बारीक बारीक कट कर सकते हैं, या तो आप खलबट्टे में इसको खून करके डाल सकते हैं। अगर खलबट्टा भी नहीं है तो आप मिक्सी में डालिए और 1-2 बार चला चला के रोक दीजिए, मोटा सा दरदरा हो जाए, उसके बाद निकाल लीजिए, पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए अच्छी तरह से ये चॉप हो चुका है, तो अभी मैं आंवले में ये सभी को डाल दूंगी। अभी इसको एक साइड रख दूंगी, और यहाँ पे अभी मैं मिर्च ले ली हूँ, और ये मिर्च का डंठल निकाल दूंगी, और ये देखिए लंबे पीसेस में इसको इस तरह से 2 टुकड़े में कर लूंगी, थोड़ा सा पकड़ा ही रहेगा, इस तरह से कट करूंगी,
और इसको इसमें डाल दूंगी। पूरे मिर्च को मैं नहीं काटूंगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मिर्च को बिना मिर्च का भी आप बना सकते हैं। ये देखिए सभी मिर्च को मैं कट कर चुकी हूँ। थोड़ा सा चार पांच मिर्च मैं और नहीं काटी हूँ। और ये मसाला जो खड़े मसाले को मैं पीस करके रखी थी इसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ अचार में। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। तो मैं ये कलर के लिए ले रही हूँ, ये तीखा नहीं होता, कलर के लिए ली हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर और कलौजी आधा चम्मच डाल दूंगी, मंगरेल जिसको बोलते हैं, नमक स्वादानुसार डाल देना है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कटोरी से थोड़ा सा कम सरसों का तेल। ये गरम तेल नहीं है, ये कच्चा तेल है सरसों का तेल। तो इसको इसमें डाल देना है आधा कटोरी, मतलब आधा तो ली थी, आधे से भी आधा डालना है, पूरा नहीं डालूंगी। और इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। लेकिन याद रखिएगा जिस बर्तन में आप अचार को बना रहे हैं वो बर्तन अच्छी तरह से सूखा रहना चाहिए, पानी नहीं लगा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अचार आपका खराब हो जाएगा। और इसको ये देखिए इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको, ये ख़राब आपका अचार कभी नहीं होगा। जब तक आप रखना चाहे तब तक आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें यही एक काम करना है कि इसको लगातार आप धूप दिखाते रहिए। मतलब हफ्ते में, दो हफ्ते में एक बार रख दीजिए कड़ी धूप में, तो ये आपका अचार अच्छी तरह से बना रहेगा। क्योंकि मैं इसमें विनीगर नहीं डाली हूँ, कुछ लोग डालते हैं, और मैं इसमें विनीगर सिरका कुछ भी नहीं डाली हूँ, तभी भी ये आपका अचार खराब नहीं होगा। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह से पूरी तरह से मिल चुका है। और यहाँ पे मैं एक बॉटल ले ली हूँ, प्लास्टिक का है, मैं अचार प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती हूँ। तो जब भी रखती हूँ तो ये डब्बे को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो करके और इसको अच्छी कड़ी धूप में इसको रखती हूँ, तो अंदर से ये अच्छी तरह से धूप इसमें चला जाता है, लग जाता है, अचार रख देते हैं।